प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्या खाएं, कैसे और कौन सी चीज़ें खाने से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरोही और इस वीडियो में यही बताऊंगी कि किस तरह से आप जल्दी कंसीव करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ खानी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों की बात करें लेकिन स्पेशली हम बताते हैं यहाँ पर फीमेल्स के बारे में, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी जो है ज़्यादा इस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। हाँ, मानती हूँ कि मेल एंड फीमेल दोनों का इक्वली पार्ट, इक्वली सपोर्ट होता है इस चीज़ में, लेकिन फीमेल्स की बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोनल्स चेंजेस होने वाली होती है। इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी बॉडी पे ये सब बातों का ध्यान रखें। खाने की बात करें तो विटामिन में विटामिन बी लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर विटामिन बी लेते हो तो आपके शरीर में ये काफ़ी ज़रूरी होता है और उसी के साथ साथ ही आपको फॉलिक एसिड भी काफ़ी ज़रूरी है डॉक्टर्स के राय के हिसाब से, और आप इसे कहीं भी ईजिली पढ़ सकते हो। रिकमेंड किया जाता है कि फॉलिक एसिड काफ़ी ज़रूरी होते हैं एक अच्छा ओवम बनने के लिए। ओवम आपका बनेगा यानी अंडा जितना हेल्दी होगा उसी के साथ साथ आपका बच्चा भी उतना ही अच्छा होगा, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। पानी की कमी, आपके शरीर में जो आपका लिक्विड है वो काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, ब्लड और उसी के साथ साथ ही वाटर। आपके शरीर में वाटर की मात्रा सही होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो उससे पहले आप पानी की कमी को ज़रूर चेक करो। पानी की कमी और उसी के साथ साथ आपको कोकोनट वाटर पीने की सलाह दी जाती है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले और बाद भी। प्रोटीन्स की काफ़ी ज़रूरत होती है, कैल्शियम भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बने जितने भी सामान हैं वो सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, वो पनीर हो गए या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी चीज़ें हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ओमेगा थ्री मेल और फीमेल दोनों को खाना चाहिए। ओमेगा थ्री आपके स्पर्म एंड ओवम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो आपके शरीर में आपके हॉर्मोन्स यानी कि सेक्सुअल हॉर्मोन्स को बनाते हैं, इसलिए ओमेगा थ्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको आपके कुछ टेस्ट भी कराने होंगे। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी कंसीव करने में आपको देरी हो सकती है। उसी के साथ साथ भी आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। स्ट्रेस से भी कई बार जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहना। थैंक यू सो मच।